रिजल्ट सेपरेट क्या रहेगा, ओएमआर सीट आप आउट हो चुका है, आप लोग अपना ओएमआर सीट चेक कर सकते हैं। अपलोडिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, मेरिट लिस्ट के नाम पर खेला होगा, किस तरह से हम जानेंगे। वन सीट वन रिजल्ट के लिए कई लोग डिमांड कर रहे थे, उसमें क्या सफलता मिली है क्या नहीं, और क्या आप लोग करने जा रहे हैं। कई स्टूडेंट मेरे पास लास्ट वीडियो में भी कनेक्ट हुए थे, तो कल के डेट में आप लोगों ने आग्रह किया था खान सर इसके जाए, या कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि पटना और दिल्ली में आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाइए सेपरेटली, ताकि वो उनको टैग करके वो लोग अगर अपनी बातें रख पाते हैं तो अब आप लोग के लिए कितना बेनिफिट होगा। उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे आज। वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, और एडुटेरिया का और घटनाचक्र का प्लेलिस्ट बना गया दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। इन सारे बिंदुओं के साथ आप एक और चीज़ें बता देते हैं जी, डीवी के लिए कई लोग बोलते हैं सर डीवी के लिए क्यों आप बोल रहे हैं एग्जामिनेशन से पहले, क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, क्योंकि टीआरई वन और टीआरई टू के दौरान देख सकते हैं ये आप पे समकक्ष है, जो कि पूर्णिया के ये दो दिन पहले का ये नोटिस जारी किया गया। सात ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके नाम और रोल नंबर और सब्जेक्ट के साथ, और जो कि सीटेट पास नहीं थे, आप लोग को भली बात ही पता है, कई लोग बाढ़ में ने बताया, आप लोग को नोटिफिकेशन भी मैंसन किया गया था कि जिनका 90 नंबर से कम है सीटेट में वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, फिर भी उनकी एलिजिबिलिटी पात्रता ली गई और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी दी गई। लोग 6 महीने 7 महीने पता नहीं कितने दिन तक उन्होंने काम भी किया और सैलरी भी उठाई, अब इनको बाहर कर दिया गया है। ये देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023, ये टीआरई वन का है और 26 टीआरई टू का है, कि पात्रता में अनुरूप अर्हता नहीं रखने के कारण विद्यालय अध्यापकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको मिला था, यानी प्रोविजनल आपको ज्वाइनिंग लेटर जिसको कहते हैं, को रद्द करने के संबंध में द्वितीय कारण आपका जो है कारण परीक्षा समर्थित करने समर्थन आपको दिया गया है। ये 10/6/2024 का ये नोटिस है, और ये देख सकते हैं कल प्रकाशित किया गया था आपका 12 अगस्त के दिन आपको ये जारी किया गया है। ये सारी चीज़ें इसको देना पड़ेगा कि आपको क्यों रखा जाएगा, आपको 60% लाना या 60 या उससे ज़्यादा आपको लाना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको, जो भी लोग हैं फर्जी डिग्री वाले, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, कई लोगों ने प्रयास किया, कई स्टूडेंट लीडर हैं दिलीप कुमार और कई लोग जो आपके लिए प्रयासरत हैं, बट उनकी सफलता और आप लोग के एकजुटता नहीं होने के कारण, जिस तरह से एनटीपीसी में हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी में रीजन वाइज है कि उस सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब था और उसमें पूरे इंडिया के लोग उसमें सहयोग किया था, गवर्नमेंट तक सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाने का काम आया था। इसमें भी सेम चीज़ें हुई थी, एक ही स्टूडेंट का मल्टीपल रिजल्ट आया था, मान लीजिए कि जो उसमें वन आपका आया था 1 to 12 का एक होता है एलडीसी जो पोस्ट होता है, एक एनटीपीसी का पोस्ट होता है जो कि ग्रेजुएशन लेवल का होता है, एक ही स्टूडेंट का इसमें भी रिजल्ट दिया गया था एलडीसी, और इसमें भी और लोअर ग्रेजुएशन वाले भी पोस्ट में नाम दिया गया था, अलग अलग जो डिफरेंट आपका 12 पोस्ट होते हैं सभी जगह एक ही स्टूडेंट का, मतलब कि एक एग्जाम्पल एक का है तो 5 जगह 6 जगह रिजल्ट दिया गया था, फिर से उसको मॉडिफाई करके बहुत सारे रिजल्ट को दिया गया था। इसी तरह से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक रिजल्ट आपको एक सीट पर दिया जाए, वन सीट वन रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इनको कहाँ तक सरकार के चीन आपका जो है टीआरई वन में भी खेला हुआ था और इस बार भी मेरिट लिस्ट के नाम पर खेला हुआ और शायद टीआरई थ्री में भी होगी। इसलिए जितने भी लोग हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सरकार तक और जो भी आपके टीचर्स आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, उन तक ये बातें पहुंच सके, ये मेरा मकसद रहा। और आप लोग के ये आग्रह पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, मैं उनके सारे फोटोज और जो भी है उनको मैं टैग करके सारी चीज़ें अपनी बातें भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से बड़बड़ता लास्ट आपने देखा होगा जो 12 तारीख के महाआंदोलन में हुआ था, और इस तरह से एक बिहार के अत्याचार कर सकते हैं बिहार प्रशासन का और पुलिस का, किस तरह से स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार को पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, स्टूडेंट को डंडा से पीटा जा रहा है, और इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एक हथियार है ना एक डंडा है, अपनी बातें अहिंसा पूर्वक अपनी बातें रखने के लिए बीपीएससी आयोग ऑफिस गए थे, बट इनकी बातों को नहीं सुना गया और लाठी मार के भगाया गया। इसलिए एक जन आंदोलन हो, चाहे कोई भी लीडर्स में इंक्लूड ना हो, कोई भी लीडर्स को आप लोग आग्रह मत कीजिए, चाहे वो बीजेपी का हो, जेडीयू का हो, या फिर आपका कहीं का भी हो, आरजेडी का हो, सब वो अपने वो अपना इच्छाएं पूर्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं, खान सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो भी लोग हैं उनके बिहाफ पर मैं ये डिमांड रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इनकी एक पहुँच है, इनका एक छवि बन चुका है ऑलरेडी, ये काफ़ी सालों से कार्यरत हैं, अगर ये सहयोग करते हैं आप लोग, एक आवाज़ भी एक वीडियो भी एक सेपरेट वीडियो अपने बना करके अपने चैनल पर भी डालते हैं, क्योंकि उनका फॉलोवर
23 मिलियन है, 24 मिलियन, आई डोंट नो कितना, इससे ज़्यादा है, मतलब 2 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इनके सब्सक्राइबर हैं जो कि डेली व्यूज दे सकते हैं। रिसेंटली आने वाला है रक्षाबंधन, और जिनके इनके हाथों में दे सकते हैं, कितने बहनें जो हैं इनको 7,000-8,000 राखी, जो कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राखी मनाई जाती है, और इस बार भी शायद ये मनाएंगे 2024 में। तो इनसे आग्रह है उन सभी बहनों के लिए जो कि टीचिंग लेवल के लिए, जो कि गरीब, जो कि DL.ED BEd करके पास होकर के आए हैं, उनकी इच्छा, उनकी जो है, जो कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जो कि रियलिटी में जिनकी जो हकदार है, जो PDC करके आया, जो कई लोग तो NIOS वाले होंगे जो कि पूरी तरह से मान्य कर दिया गया उनकी डिग्री को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से उनको बाहर कर दिया गया, इन सभी लोगों को बेनिफिट हो, इन सभी लोगों को बेनिफिट हो, ताकि ये आवाज़ें उठाएं उन लोग के लिए, चाहे वो खान सर हो या इसके जा सर हो, सचिन सर हो दिल्ली से है, या फिर कई ऐसे हैं जो कि दिल्ली पटना में रह करके आप लोग को कोचिंग देने की कोशिश करते हैं, आप लोग को पढ़ाने के काम करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। कम पैसे में 200 रुपये में कोर्सेज लाना हर एक सब्जेक्ट के लिए, आपके 6-7-8 सब्जेक्ट है, तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए जाने जाते हैं ये लोग। ये आप लोग के बिहाफ पर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इन सभी से, और कुछ नहीं है, ताकि ये वीडियो बनाए, इनकी बातें भारत सरकार जो है आपका BPSC आयोग तक जाए, और ये एक डिमांड आपका जो है लाजमी है। नोटिफिकेशन में उन्होंने खुद मेंशन किया गया, एक सीट पर एक रिजल्ट हम देंगे, बट ऐसा नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जा रहा है। और एक DB, दूसरा डिमांड है आपका, DB पहले हो, काउंसलिंग से पहले DB क्यों, आप ऐसा क्यों, ताकि ऐसे फर्जी डिग्री वाले, जो फर्जी डिग्री वाले जो घूर चुके हैं Tier 1 और Tier 2 के दौरान, इस बार ना हो, ताकि ऐसे हजारों की संख्या है, ये सिर्फ पर्याप्त अभी जो है 7 संख्या जो दिख रही है, यानी 7 जो नंबर दिख रहा है, ये रिसेंट का है, 2 से 3 दिन पहले का है। अगर आप देखेंगे जब से Tier 1 की ज्वाइनिंग हुई है, उसके अगले दिन से ही कई लोगों को बाहर किया जा रहा है, और बाहर कंटिन्यू किया गया, इसमें हजारों की संख्या है, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या है जिनको बाहर कर दिया गया है। तो वो एक प्रोसेस पाइपलाइन बना रहे हैं, यहाँ से एंट्री दे रहे हैं, इनपुट आ रहा है कि हाँ हमने 1,20,000 को हमने घुसाया है, इनपुट हुआ है, ज्वाइनिंग दिया है, और एक तरह से बाहर करने का भी प्रक्रिया है, इसका आउटपुट भी मिल रहा है, यानी बाहर कर रहे हैं, फिर से वो सर्कुलेट हो रहा है। एक्चुअल में हायरिंग बहुत कम लोगों का हो रहा है, वो फिल्टर होकर के जो रियल डिग्री वाले हैं, जो रियल हैं उनको हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नुकसान है। इसी कारण से आपका Tier 1 में भी कटअप इतना चला गया था, और Tier 2 का कहना ही नहीं। और इस बार क्या हो सकता है, इसकी कोई अनुमान तो नहीं। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ना हो, कोई इंटरनल धांधली ना हो, पेपर लीक की समस्या जो कि लास्ट टाइम देखा गया था, इस बार री एग्जामिनेशन हुआ है, अभी क्या समस्या है होगी अभी आप लोगों को पता चलेगा। OMR sheet जिन लोगों ने देख लिया, आप अपना चेक करके बताइएगा OMR sheet आप लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं। हालांकि इसमें OMR sheet में आप लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख, ये लग रहा होगा आपके मन में हाँ OMR sheet आ गया, अभी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख करके आप अपना देख सकते हैं कि हाँ मैंने अपना रोल नंबर, नाम, या फिर आपने जितने भी 150 क्वेश्चंस थे, 150 में मैंने 150 टिक किया है कि नहीं किया, कोई उल्टा आपने बबल करके तो नहीं आ गया, बस ये आप चेक कर सकते हैं, आप आगे पीछे का ये सारे इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, कोई गलती नहीं हुआ होगा, बस ये अभी आप चेक करके रख सकते हैं। प्रणाम गुरु जी, ओके प्रणाम। PGT में, T2 में आपका जनरल में हो जाएगा। इन सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप शेयर कीजिएगा सभी लोगों तक, ताकि आप लोगों को बेनिफिट होगा। ये आपको 40,000 आपको जो है बेनिफिट होगा इस बार ही Tier 3 में देखने को मिला। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कई लोग डिमांड अभी तक कर रहे हैं, जो कि जिनके कारण आपका DOB के कारण कई लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, 56-67 आने के बावजूद भी एक उसका अभी तक क्लियर नहीं किया गया। ये सारे रीजन से इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आपकी एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी आपका नोटिस जारी किया गया। 20,000 शिक्षकों के दस्तावेज जो है अभी छानबीन अभी भी अधूरी रह गई है, यानी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया है। आई डोंट नो वाई व्हाट हैपेंस ओवर देयर, क्या इनका रहा है, छठे चरण में जितने लोग हुए चलते हैं और साथ में आपका ये 8वां चल रहा है, इसमें अभी भी अधूरापन है जितने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। पहले मतलब किस तरह से लोग आते हैं, नंबर आप BPSC में लाइए, चाहे आपका 80 हो 90 हो, आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास सीटेट का हो नहीं हो या फिर कुछ भी हो, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, जाकर के आप ट्रेनिंग ले लीजिए 1 महीने का, आप अच्छे से ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको खाना भी मिलता है, खाना रहने का भी मिलता है, व्यवस्था मिलता है, योगा कराया जाता है 4:00 से आपको लेकर के 5:00 से, ये सारे आप बेनिफिट लेने के बाद, हो सकता है आपको 5-6 महीने के बाद पता चले आपके पास डिग्री ही नहीं है, आपके पास वो पात्रता ही नहीं है, आपको फिर बाहर कर दिया जाता है, फिर सोचिए आपके पास आपकी क्या छवि बनेगी आपके घर में। ये फर्जी वाले जितने लोग हैं, पता नहीं क्यों कई ऐसे फर्जी वाले हैं जो कि UPMP से होंगे, SC का, ST का, लास्ट टाइम भी मेरे से कई लोग बात किए हैं जिनके पिता भी हैं साथ में संलिप्तता हैं और उनके बेटे भी हैं, उसे SC का सर्टिफिकेट बना करके आपका पश्चिम चंपारण बेतिया का
डोमिसाइल बना करके घुस चुके हैं, जो कि TRE1 और TRE2 में हो चुका है। इस बार कितनी संख्या है आई डोंट नो, ये विभाग का काम है, शिक्षा विभाग का काम है उनको फाइंड करना, उनको बाहर करना, उस पर कार्रवाई करवाना। अभी भी इस बार भी शायद संभावना हो सकती है PGT में आपके 82 में बन जाएगा। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है, और ये सारे वीडियोज को आप शेयर कीजिएगा, आप अपने लिए, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी मेरे पास समय रहता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, दे सकते हैं आपका। ये न्यूज़पेपर का ये कटिंग है, BPSC का घेराव कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी पर, लाठी चली है। इन लोगों का मात्र एक डिमांड है कि बिहार शिक्षा विभाग में एक अभ्यर्थी पर एक रिजल्ट दिया जाए, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि कर रहे थे माँ। और दूसरा है आपका, इनका डिमांड है DV पहले होना चाहिए, ताकि जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं उनका नाम ना आए, और जो लोग योग्य हैं, जो जिनके पास CTET पास है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो STET पास है उनको कोई दिक्कत ना हो, जो STET पेपर 2 पास है उनको कोई दिक्कत ना हो, जो रियली में BEd की डिग्री उनके पास है, जो BEd के दिन जिनके पास है DLED की डिग्री है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो रियल जो फर्जी नहीं है, जो सही उनके पास सभी चीज़ें हैं, सही पात्र हैं, जो योग्य हैं एक्चुअल में, उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जितने भी पेपर लीक की समस्या या फर्जी डिग्री वाले, आज नहीं कल आप लोग जान लीजिए, हाँ कमर कस लीजिए, आपको बेइज्जती करके भगाया जाएगा, बस ये समझ लीजिए। कई लोग पता नहीं किस मानसिकता के साथ रहते हैं, TRE1 TRE2 के दौरान जब मैं लाइव आ रहा था, लोग कॉल करके पूछ रहे हैं सर ऐसा कोई रास्ता बताइए, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं उपलब्धता, मैं आगरा से कहूँ, 12 साल पहले मैं बिहार को छोड़ चुका हूँ, 12 साल पहले बिहार को छोड़ चुका हूँ, मेरे पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं है, क्या मैं दोबारा SC का सर्टिफिकेट, OBCC का सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट बना करके इंटर कर सकता हूँ? इस तरह के लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप बाहर छोड़ चुके हैं, आप स्टेबल हो चुके हैं दूसरे स्टेट में, आप जनरल में फाइट कीजिए, UR में फाइट कीजिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास कोई रिश्ते नाते नहीं रह चुके हैं बिहार में, तो फिर आप क्यों, जब जॉब निकली है तो फिर वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब जॉब नहीं थी तो आप घर छोड़ करके भाग गए। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। चलिए ये देख सकते हैं, सारे 60% से कम वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनको बाहर कर दिया गया नोटिस जारी करके। ये देख सकते हैं, ये दिलीप कुमार जिनको पटना में शिक्षक अभ्यर्थी को लाठी चार्ज का इस तरह देख सकते हैं, छात्र नेता दिलीप और पुलिस के बीच में झड़प, और ये अपनी बातें सिर्फ रखने की कोशिश करें आपके लिए, ये नहीं उनकी आपकी पर्सनल कोई इनकी चाहत है। इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इनका जो जहाँ तक ये है, क्योंकि इनका एक दायित्व बनता है, इसके झा सर हों या खान सर है जो कि स्टूडेंट को लीड करने का काम कोशिश करते हैं, अगर ये बातें आपको ये कहते हैं, आप लोग की बातें उठाने की कोशिश करते हैं, आई नो कि ये सेंट्रल लेवल का नहीं है, पूरे स्टेट आपको पूरे इंडिया लेवल का नहीं है, लेकिन आप बिहार में कम से कम इस बार 6 लाख फॉर्म भरे हैं, और लगभग नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट के जो कि BEd DEd धारक हैं वो UP से हों, बिहार से, MP से हैं, या राजस्थान से, हरियाणा से, कई लोग हैं जो कि TRE1 और TRE2 के दौरान भी सिलेक्शन लेकर के ज्वाइनिंग कर चुके हैं। 85% इनकी परसेंटेज बताई जाती है जो कि UR में, अगर आपको UR की सीटों को ओपन किया जाता है जो कि 40% होता है, इसमें से 85% बाहर के स्टूडेंट है, 85%। अगर इसमें भी संख्या अगर बताएं तो अगर 10 लोग अगर सेलेक्ट होता है, 10 लोग अगर UR का सेलेक्ट होता है, जिसमें 8 लोग सिर्फ UP के होते हैं, 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि अदर स्टेट वाले होते हैं या फिर बिहार से होते हैं, यहाँ 7 से 8 लोग हैं UP से हैं। आप अपनी संख्या दे सकते हैं, आप स्थिति दे सकते हैं UP में क्या स्थिति है, ये आपका TRE1 और TRE2 में सिलेक्शंस का रेशियो बता रहा हूँ, हर एक जगह, चाहे मुजफ्फरपुर हो आपका, चाहे लखीसराय हो या फिर आपका गया हो या पटना हो, ये स्थिति है सारी जगह। चलिए ये अपनी बातें रख सकते हैं, और अगर इनको कोचिंग नहीं, कोचिंग के अलावा, क्योंकि ये सहयोग के लिए जाने जाते हैं, इन लोगों का छवि इसलिए लगाया हूँ मैं क्योंकि कम चार्जेज में, चाहे रेलवे के लिए हो या फिर ग्रुप डी के लिए हो या PCS के लिए हो, UPSC के लिए हो, कम चार्जेज में, कम पैसे में लोगों का हेल्प किए हैं, और ये कर सकते हैं, इनकी बातों में एक पहुँच है, ये ऑलरेडी उस लेवल तक पहुँच चुके हैं, काफ़ी सालों से 10 साल 15 साल से कई लोग टीचिंग लाइन में हैं, तो उनकी एक लाइनअप बन चुकी है, एक आपका बन कह सकते हैं कम्युनिटी बन चुकी है, शायद इनकी बातों को अच्छे से समझी जाएगी और बातों को पहुँचे जा सकते हैं ये बातें, और इनका एक दायित्व बनता है पूरे समाज के प्रति, क्योंकि आप लोग जो टीचर्स जो बनने वाले हैं, जो टीचर्स अगर अच्छे होंगे तो
तो ही आप बिहार के हैं या पूरे इंडिया के स्टूडेंट को आप भविष्य बनाने के काम करेंगे, अदरवाइज फिर इफेक्टेड हो गए। फिर ऐसे लोग इफेक्टेड होंगे जो फर्जी डिग्री वाले या पैसे देकर के जो घुसेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना पढ़ा पाएंगे, कितना वो ज्ञान दे पाएंगे। कई ऐसे टीचर्स हैं, मैं दोनों बातें रख रहा हूँ, एक तो आपका निगेटिव पार्ट जो है जो कि फर्जी डिग्री वाले, कई स्टूडेंट हैं जो कि अपने दम पर नंबर कट ऑफ से ज़्यादा 10 नंबर 20 नंबर एक्सपेक्ट करके ला करके जाकर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उनका नाम भी मैं दे सकता हूँ। वो अपने मेहनत से नंबर भी लाए, कट ऑफ को भी क्लियर किया, जो कि होना नहीं चाहिए कट ऑफ, ये भी TRE1 और TRE2 के दौरान उसको भी पार करके जाकर सिलेक्शंस लिए हैं और अपनी सेवा ईमानदारी पूर्वक दे रहे हैं। आज रात 12 बजे से दुल्हन का आगमन होने वाला है, लोग दुल्हन को देख करके खुश हो जाएंगे। तो उससे अभी आप कुछ नहीं पता चलेगा, ओमार सीट से आपको कुछ भी नहीं देखने वाला, सिर्फ आपने अपने नाम, अपने जो भी आपने फिल किया साइन, या फिर आपने 150 क्वेश्चन को किस तरह से बबल किया। कई लोग होंगे अब अपना बबल चेक करेंगे कि मैंने सही से किया था कि नहीं किया, इसको कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आपका दायित्व बनता है, आपने जो भी पेन से किया है या ब्लू ब्लैक, आप उसको चेक कीजिए, उसको अच्छे से चेक कीजिए, और उसके बाद आपका मेन चेक होगा आपका आंसर की आने के बाद आप चेक कीजिएगा कि आपने कितना सही आपने किया। आंसर की में आप BPSC की आंसर की या BPSC की सही को कुछ किस क्वेश्चन को सही माना है, किस क्वेश्चन को गलत माना है, ये आपको एक दायित्व बन जाएगा। बस ये आप चेक कर पाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ, ये मेरा गलत हुआ है, कितने सही कितने गलत, ये आपको देखना पड़ेगा। सर हिंदी में UR में 86 में अखिलेश कुमार यादव हो जाएगा UR में हिंदी में। चलिए और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं आप बताइएगा, क्या आप लोग का मार्कशीट जारी हो चुका है, मतलब मार्कशीट आपने किसी ने देखा है, किसी ने आप लोगों ने में से किसी ने देखा है। ओके, यहाँ पर देखिए BPSC आयोग में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ BPSC पर जो अपलोड आया गया है, जो अभी नोटिस जारी किया गया, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं बिहार स्कूल टीचर्स कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन का जो है, TNR कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर ओमारशीट 15 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। ओमारशीट जो आपको है यानी कि कल रात से आपको देखने को मिलेगा, कल से लेकर के 22 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये 7 दिन देने के लिए कोई उचित नहीं बनता है, डाउनलोड करने के लिए 1 से 2 दिन काफ़ी है, कई स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, हो सकता है मान सकते हैं। ये आपका देखिए मेंशन किया गया है सारी चीज़ें यहाँ पर कि विज्ञापन संख्या पर 22/2024 से बिहार अध्यापक पदों के नियुक्ति के हेतु आपको 19/7/2024 के बीच में आपका जो हुआ था यानी 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन जो हुआ था वस्तुनिष्ठ जो कि लिखित हुआ था। उसके बाद चलिए सर हिंदी वाला रोहित हो जाएगा आपका 90 UR में हो जाएगा। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आपका BPSC आयोग जो आपका साइट है, यहीं से आप जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां से क्लिक करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके अपना देख सकते हैं, अपना सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। सोनू सिंह 70 UR बिहार PRT में, UR में अगर आप मेल में हैं तो चांसेस कम होगी, फीमेल में चांसेज होगी। देख सकते हैं अपना डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, उसके बाद आपका आंसर की देखने को मिलेगा, आंसर की उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। दिनांक आपका 27/8 के उपरांत आपत्ति आपके विचार नहीं किया जाएगा, आपत्ति के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा यानी ऑब्जेक्शंस के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा, और मार्कशीट में अगर कोई त्रुटि होता है कुछ भी आपको 27 अगस्त तक आप कर सकते हैं, जो कि आपका आईडी दिया गया है एग्जाम कंट्रोलर BPSC@GOV.IN पर आप जाकर आपका आपत्ति कर सकते हैं। चलिए सोनू सिंह आपको मैंने बता दिया आपका, ये दे सकते हैं PRT के लिए।
सर बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, आप दोनों के लिए तैयार रहिए, अपने मन मस्तिष्क में आप अपने आप को दोनों के लिए तैयार रखिएगा। या तो आपका पास होंगे या फिर आपको फेल होंगे, दो ही ऑप्शंस होगा। पास होंगे तो डीवी के लिए आपको अपना आपको तैयार कीजिएगा, फेल होंगे तो TRE 4 के लिए तैयार करेंगे। अच्छी बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी इससे ज़्यादा बढ़िया है, 1,60,000 वैकेंसी जो कि अभी बताई जा रही है। आने वाले टाइम में क्या होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए या हो सकता है इससे कम भी आए, अभी जो संभावित है कि इतनी वैकेंसी आएगी। दो ही चांसेज है, दोनों के लिए अपने आप मन मस्तिष्क में अपने आप को तैयार रखिएगा। डरने की कोई बात नहीं, चाहे या तो जीत मिलेगी या हार मिलेगी। हार मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, कुछ ना कुछ आपकी कमियाँ होगी, जो 2-4 नंबर जिस नंबर से आपने छूटा है उसको दूर करके फिर से इसके लिए तैयार कर सकते हैं। यही आपका, ये गवर्नमेंट जॉब्स का यही एक रूल से कर सकते हैं, यही आपका पैटर्न है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 87,000 का ही होगा। 2-2.5 लाख जो हैं सिंसियर स्टूडेंट होते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। इस बार तो कंपटीशन आपको बहुत कम है, आपको जो एज कंपटीशन देखेंगे TRE 1 और TRE 2 में देखने को मिला था। चलिए सर, स्टूडेंट की संख्या डे बाई डे घटते जाएगी, जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो लोग नहीं इंटर करेंगे, बहुत कम लोग हैं कि इसमें बार बार आपका आने वाले हैं। फीमेल में चांसेज है सोनू सिंह 70 में, फीमेल में चांसेज है, जिन आपका मेल में चांसेज कम है। चलिए PRT में 83 में आपका हो जाएगा एजुकेशन, मोमिन ने एग्जाम एजुकेशन 83 में हो जाएगा। PRT के देख सकते हैं इस बार कट ऑफ इस तरह से रहने वाला है, 75 से लेकर के 80 के बीच में रहने वाली है। और फीमेल का 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा। 70 अगर आप प्लस में हैं फीमेल में तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। नेक्स्ट चलिए, जितने लोग अभी कनेक्टेड है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में, जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, फिर अपने क्वेश्चन को आप पुटअप कर सकते हैं। दो चीज़ क्या, आप लोग जहाँ भी जाते हैं जिस भी जगह जाते हैं, कई लोग मेरे पास पर्सनली कमेंट किए थे इसलिए मैंने इस लाइव आकर के इस सारी चीज़ों को बताया। और ये वीडियोज आपको 2 से 3 जो कि आपका डिमांड है, एक तो 1 सीट 1 रिजल्ट के लिए लगातार चलती जाएगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगी, जब तक रिजल्ट नहीं आते, जब तक ये बड़ी सरकार सुन नहीं जाती है, जहाँ तक आपका प्रयास होगा, जहाँ तक आपका सहयोग होगा, मैं ये करता रहूँगा। उसके दूसरा है आपका DV होना चाहिए, रिजल्ट से पहले स्क्रूटनी होना चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए, फर्जी डिग्री वाले जितने भी हैं लोग हैं यहाँ से हटना चाहिए, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। हज़ारों ऐसे संख्याएँ इसमें आपको 40,000 45,000 लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। ऐसे इसमें लोग होंगे 10 से 15 हज़ार ऐसे लोग होंगे, 5 से लगभग 10 हज़ार 15 हज़ार के आसपास ऐसे लोग होंगे जो फर्जी डिग्री वाले फिर इससे घुस जाएंगे। इस बार शायद उनको 3 महीने 4 महीने का सैलरी भी मिल जाए, ट्रेनिंग भी ले लें, उसके बाद बाहर में उसके बाद उसको बाहर भी कर दिया जाएगा। सर जी बिहार से PRT में आपका, PRT में 70 में है, EVC में चांसेज होगा, PGT में 74 है, सब हिंदी में चांसेज है, हिंदी में चांसेज है, हिंदी का कट ऑफ आपको दिखा देते हैं, बाकी सभी लोग अपना देख ले सकते हैं। चलिए आई होप कि दिख पा रहा होगा। चलिए नीचे देख सकते हैं हिंदी के, यहाँ पर है हिंदी के आपका हो जाएगा। EBC में आपका मैंने बताया 70 में आपका एजुकेशन ब्लॉक मैंने आपको बता दिया है, आपका हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा 1-2 मिनट और वेट करते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करके, उसके बाद फिर हम सोच करते हैं। PRT के लिए मैंने बताया एजुकेशन ब्लॉक ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको,